एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, चैप्टर 3 किया था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आंदोलन में जो है हरियाणा की क्या भूमिका रही है। ओके, उसमें हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी। इसमें हम देखेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने किस संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को किसने सौंपा था? दौलत राव सिंधिया ने। कब? 1803 में। और किस संधि के तहत ये पूछा गया है? तो देखिए, ऑप्शंस हैं सूजी अर्जन गांव की संधि, श्रीरंगापट्टनम की संधि, छछरौली की संधि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल, हमने चैप्टर की जो फर्स्ट लाइन थी वो यहीं से शुरू थी कि सूजी अर्जन गांव की संधि के तहत जो है दौलत राव सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 को ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें जो है हरियाणा को दे दिया था। फिर हरियाणा के जो भी ब्रिटिश इंडिया ने जिस भी क्षेत्र पर जो है अधिकार किया था उन्हें 3 हिस्सों में बांटा था। नेक्स्ट देखिए, नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर, गुड़गांव रेवाड़ी और जोधपुर, जींद जगाधरी और पेहुआ, पानीपत झज्जर और तावड़ू। तो अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए जो भी युद्ध था उसमें नष्ट किया गया था रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायाब कोतवाल थे? मेरठ के, मुजफ्फरनगर के, दिल्ली के, या गाजियाबाद के? मेरठ क्रांति के समय बताना है कि वो किस जो है शहर के नायाब कोतवाल थे। रामकृष्ण गोपाल के बारे में बताना है, कहाँ के थे वो? वो थे मेरठ के कोतवाल। ठीक है, जब 10 मई 1857 को क्रांति हुई थी मेरठ की, उस समय जो है ये मेरठ के क्या थे? कोतवाल थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सबसे मुखर विरोध किया? लुहारू रियासत, पटौदी रियासत, दुजाना रियासत, या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसमें अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो भी विद्रोह हुआ था वो इन सभी रियासत के साथ मिलकर हुआ था, चाहे लुहारू रियासत हो, पटौदी रियासत हो, दुजाना रियासत हो, जींद रियासत हो। ठीक है, इनके सहयोग से जो है ये विद्रोह हो पाया था। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा में से किस वर्ष में आए अकाल को नबिया अकाल कहा जाता है? 1803 में, 1213, 1718, या 1833 से 1834? ठीक है, तो हरियाणा में नबिया अकाल कहा जाता है जो हुआ था 1833 से 1834 में। जो 1833-34 में जो अकाल आया था उसे ही नबिया अकाल का नाम दिया गया है। ओके, और इसके अलावा आपको पता है, देखिए भारत के अगर इतिहास की बात करें तो बहुत सारी घटनाएं हुई है अकाल से रिलेटेड। जो सबसे भीषण अकाल था वो कौन सा अकाल था? बंगाल का। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, बंगाल के अकाल के बारे में, जिसमें क्या हुआ था, लाखों लोगों की जो है मौत हो गई थी। और ये जो जो भी बड़े अकाल वगैरह हुए थे किसके टाइम पर हुए थे? ये सारे हुए थे अंग्रेजों के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किए गए विद्रोह को उनकी तिथि एवं नेतृत्वकर्ता से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको कराया था, जींद का विद्रोह किसने किया और नेतृत्व किसने किया? बनावली का है, कैथल का और लाडवा का विद्रोह है। सबसे पहले जींद के विद्रोह की बात करते हैं, तो जींद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में हुआ था, और इसे नेतृत्व किसने किया था इसका? प्रताप सिंह ने किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात आती है बनावली का विद्रोह। बनावली का विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1835 में, और इसका नेतृत्व भी किसने किया? गुलाब सिंह ने किया। ठीक है, उसके बाद कैथल का विद्रोह था जो 1843 में हुआ और जिसका नेतृत्व गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर ने किया। लाडवा का विद्रोह 1845 में हुआ जिसका नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था।
ठीक है, तो ये चारों ही जो है बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, आंगला मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरधना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए? कुंजपुरा एवं जींद के कुछ गांव, थानेसर एवं लाडवा के कुछ गांव, करनाल एवं गुड़गांव के कुछ गांव, या शामगढ़ एवं अग्रोहा के कुछ गांव? तो बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए गए थे? करनाल और गुड़गांव के कुछ गांव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 ईस्वी में हरियाणा में कहाँ आर्य समाज की स्थापना की? रेवाड़ी, हिसार, अंबाड़ा या पानीपत? तो 1880 की बात की गई है, आर्य समाज की जो शाखा थी वो कहाँ पर खोली थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेवाड़ी में। ठीक है, देखिए आर्य समाज की अगर नींव की बात करें तो वो स्वामी दयानंद ने रखी थी 1875 में, कहाँ पर? मुंबई में। ओके, उसके बाद जो है हरियाणा की अगर बात आए तो वो रखी थी 1880 में रेवाड़ी में। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है, सही बताना है इसमें। कंपनी ने हरियाणा को दो भागों में बांट दिया जिनमें प्रथम भाग का नियंत्रण सीधी कंपनी के हाथ में था। यह क्षेत्र दिल्ली के 60 किलोमीटर उत्तर तथा 60 किलोमीटर दक्षिण तक फैला हुआ था। इस क्षेत्र में समालका, टपकुड़ा, नूह और अथिन को शामिल नहीं किया गया था। इस क्षेत्र पर सीधे गवर्नर जनरल दखल जो था वो दखल देता था, गवर्नर जनरल। तो इसमें से सही बताना था। तो देखिए इसमें अगर सही की बात होगी तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है, उसे तीन भागों में बांटा गया था, और जो प्रथम भाग था हरियाणा को दो भागों में बांटा गया था, उत्तर और दक्षिण में, और तीसरा भाग क्या था? सेंटर, जो था दिल्ली का एरिया। ओके, प्रथम भाग जो था वो नियंत्रण था सीधे कंपनी के हाथ में, ये बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र देखिए दिल्ली के 60 किलोमीटर उत्तर में था और 60 किलोमीटर दक्षिण में फैला था, तो ये भी सही है। बाकी थर्ड और फोर्थ जो है इसमें गलत है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में किस आंदोलन के दौरान किसके बीच का क्षेत्र जन क्रांति के रंग में रंग गया था? गंगा यमुना के बीच का, गंगा सतलुज, गंगा ब्रह्मपुत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा सतलुज के मैदान। एक मिनट, मे बी क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शंस में भी गलत हैं, तो इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा? रेवाड़ी, झज्जर, अंबाड़ा, छावनी या हिसार? तो 1857 की क्रांति का जो सबसे पहले असर पड़ा था हरियाणा में वो कहाँ पर था? अंबाला छावनी पर। ठीक, लाडवा रियासत में निम्न में से किसके द्वारा विद्रोह किया गया? राजा जीत सिंह, सरदार भागल सिंह, हरनाम सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने पढ़ा लाडवा का विद्रोह 1845 में हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह ने किया था। ठीक है, अजीत सिंह कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के भतीजे थे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम मार्च 1857 में किस छावनी से शुरू हुआ था? चंडीगढ़ छावनी, उत्तराखंड, अंबाला छावनी या राजस्थान? तो कहाँ से शुरू हुआ था? अंबाला छावनी से। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की मदद की? भिवानी, रेवाड़ी, जींद या सोनीपत? अंग्रेजों की मदद पूछी है कि किसने की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जींद रियासत जो थी उसने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, और जो भी विद्रोह हुआ था उस समय जो जींद रियासत की सेनाएं थी वो किसकी तरफ से लड़ी थी? अंग्रेजों की तरफ से ही लड़ी थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन 1916 में रोहतक कांग्रेस कमेटी के मंत्री बने तथा लाहौर षड्यंत्र केस में इन्होंने क्रांतिकारियों की पैरवी की? लाला दौलत राम, राधा कृष्ण वर्मा, लाला श्यामलाल या बलदेव सिंह? 1916 में अगर बात करें तो पहली बार जो है रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था, 1916 में पहली बार हुआ था रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन। ओके, और प्रथम प्रधान किसे बनाया गया था? चौधरी छोटूराम को जो है पहली बार जो है रोहतक कांग्रेस कमेटी का प्रधान जो था बनाया गया था, और लाला श्यामलाल जो थे वो रोहतक कांग्रेस कमेटी के मंत्री बनाए गए थे। तो इसमें मंत्री की बात की गई है तो कौन बनाए गए थे? लाला श्यामलाल। अगर प्रथम प्रधान की बात आए कि किसे बनाया गया तो वो थे चौधरी छोटूराम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था
पानीपत, झज्जर, अम्बाला, हिसार। तो यहाँ पे तो जब भी आरंभिक की बात आएगी हरियाणा में क्रांति से 1857 से रिलेटेड, तो वो अम्बाला ही था। ठीक, किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। 1901, 7, 1909, 11। तो 1907 तक जो है हरियाणा के हर एक जिले में जो है कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सनातन धर्म की धारा को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का माध्यम कौन से नेता बने? पंडित रवि प्रसाद, महात्मा गांधी या पंडित दीनदयाल शर्मा? तो किसे जाता है पूरे भारत, उत्तर भारत में सनातन धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय? किसे जाता है? पंडित दीनदयाल शर्मा को जाता है। ओके, इसके अलावा और कौन थे इसे लोकप्रिय बनाने में? पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित दीनदयाल शर्मा। ठीक है, इन दोनों का ही नाम आता है सनातन धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में। नेक्स्ट है, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? रानिया, नारनोल, ढाणी या रामपुरा? तुलाराम ने जो है अंग्रेजों का मुकाबला किस स्थान पर किया था? तो ये किया था रामपुरा में। ठीक है, अंग्रेजों के साथ जो मुकाबला हुआ था राव तुलाराम का, वो हुआ था रामपुरा में। उसके अलावा राव तुलाराम का जन्म पूछा जाता है, तो इनका जन्म जो था वो भी हुआ था रामपुरा रेवाड़ी में। ओके, और इन्होंने जो है नसीरपुर नामक स्थान पर जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। मे भी वो जगह जो है रामपुरा में ही हो। नसीरपुर अगर आता है ऑप्शन में तो नसीरपुर याद रखिए कि इन्होंने जो है नसीरपुर में जो है अंग्रेजों का सामना किया था। नेक्स्ट है, सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा का कहाँ के रहने वाले थे? झज्जर, कैथल, जींद या हिसार? पंडित दीनदयाल शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? झज्जर के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सूरजमल के नेतृत्व में किसानों का विद्रोह किस सन में हुआ? 1924-25। किसानों का विद्रोह कब हुआ था? किसानों का विद्रोह हुआ था 1824 में। ठीक है, 1824 में जो है किसानों का विद्रोह हुआ था, और इसका नेतृत्व जो था ये किसने किया था? ये नेतृत्व किया था सूरज मल ने। ठीक, कहां पर हुआ था ये विद्रोह? रोहतक, हिसार और गुड़गांव के क्षेत्रों में जो है ये नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? हिसार, सोनीपत, गुड़गांव या नूह? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में। तो लाला लाजपत राय ने हरियाणा के हिसार जिले को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था। ठीक, नेक्स्ट है, कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त या सभी? तो यहाँ पे बात की गई दूसरे अधिवेशन की। अगर पहले अधिवेशन की बात करें 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का मुंबई में, उसमें जो है भाग लिया था सिर्फ लाला मुरलीधर ने, जो कहाँ से थे? रिलेटेड अंबाला से। वो तो उसमें भाग लिया था सिर्फ लाला मुरलीधर ने। लेकिन यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन पूछा है, दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ, तो उसमें जो है पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर और बाल मुकुंद गुप्त तीनों ने ही जो है भाग लिया था, हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था। तो सभी ने जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला देखिए, जब जनरल वॉन कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया, तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? नूर मोहम्मद खां, मंगल खां, तुलाराम या हुसैन खां? तो हिसार सिरसा की जब नियंत्रित करने के लिए गया था हिसार की स्थिति को वान कोटलैंड अपनी सेना के साथ, तो उसका रास्ते में मुकाबला किया था नूर मोहम्मद खां ने। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, इस जो भी ये नवाब था नूर मोहम्मद खां, इसे पकड़ लिया गया और फांसी की सजा दी गई। ठीक है, और लास्ट में जो है 17 जुलाई को जो है सेना जो थी वो हिसार पहुंच गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया? राजा करण सिंह, नाहर सिंह, सूरजभान या सत्यपाल? तो बल्लभगढ़ से जिसने नेतृत्व किया वो कौन थे? राजा नाहर सिंह। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1920 में अंबाला मंडल की डिवीजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? भिवानी, रोहतक, हिसार या गुड़गांव? तो कहाँ पर हुई थी अंबाला मंडल की डिवीजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस? ये हुई थी भिवानी में। ठीक है, 1920 में। और इस ये जो भी
पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो गांधी जी थे वो अली भाइयों के साथ भिवानी आए थे। ओके, और इससे पहले जो है गांधी जी को जो है 10 अप्रैल 1919 को जो है पलवल में गिरफ्तार किया गया था। 30 जुलाई 1919 में हिसार से गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को। ठीक है, नेक्स्ट है रोहतक में पंडित रामभज दत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय लिया गया। तो ये कब हुआ था, नवंबर 1920 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे। पलवल का पूछा है कि गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे, तो गांधी जी पलवल में गिरफ्तार हुए थे 10 अप्रैल 1919 में। देखिए बहुत सारी जगह जो 8 अप्रैल दिया गया है, अगर ऑप्शन में आपको 10 अप्रैल ना मिले तो 8 अप्रैल 1919 जो है लगा के आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह पे जो है 10 की जगह जो है 8 दी गई है। ओके, तो मे बी मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन 10 अप्रैल 1919 को जो है गांधी जी पलवल से गिरफ्तार किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जींद के राजा ने अंग्रेजों के लिए कहाँ तक का मार्ग खोल रखा था, करनाल, थानेश्वर, अम्बाड़ा या ये तीनों। देखिए जींद के रियासत के बारे में हमने पढ़ा, जींद के जो राजा थे रणधीर सिंह, उन्होंने जो है अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, उन्हीं की तरफ से जो लड़े थे, तो उन्होंने जो है अंग्रेजों के लिए कहाँ तक मार्ग खोल रखा था, करनाल, थानेश्वर, अम्बाड़ा, तीनों का ही जो है मार्ग उन्होंने खोल रखा था। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किसके विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया, मार्लिम, मोंटेग्यू जेम्स वार्ड, सुधार मार्लिम, मिंटो सुधार, सेडिशन कमेटी या रॉलेट एक्ट। तो किसके उसमें लिखा गया था ये लेख, किसके विरोध स्वरूप, मार्ले मिंटो सुधार के विरोध में लिखा गया था। ठीक है, उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था रोहतक में। कब हुआ था, 1865 में हुआ था। ठीक है, और 1907 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उसकी गद्दी पर हक जताया, सूरज कौर, साहिब कौर, गुलाब सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो है उसकी गद्दी पर हक किसने जताया था, उस पर हक जताया था गुलाब सिंह ने। ठीक है, गुलाब सिंह ने जताया था उनकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ। तो कौन शहीद हुआ, नाहर सिंह जो था वो शहीद हुआ था। ठीक है, श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी, 1919, 21, 22 या 23। तो यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, चौधरी छोटूराम और फजली हुसैन ने साथ मिलकर, और ये स्थापना जो थी कब की गई थी, ये की गई थी 1923 में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया, प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था, तो प्रदेश में से किस नाम से पुकारते थे यूनियनिस्ट पार्टी को, जमींदारी लीग के नाम से। असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, हरियाणा की आंधी आंदोलन, गांधी की आंधी या इनमें से कोई नहीं। देखिए असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो हरियाणा क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा कहाँ पर जो है हावी रहा, ये रहा रोहतक में। ठीक है, रोहतक जो था वो असहयोग आंदोलन का गढ़ बन चुका था हरियाणा में। ओके, और इसे जो है किस नाम से जाना जाता है हरियाणा में असहयोग आंदोलन को, गांधी की आंधी के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया, भिवानी, सोनीपत, पटियाला या जींद। तो ये हमने पढ़ा था, बताया था मैंने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था, जींद राज्य के। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजा मंडल आंदोलन का नेतृत्व किया, पटौदी रियासत, महेंद्रगढ़ रियासत, जींद रियासत या दुजाना रियासत। तो कहाँ को छोड़कर किया था, कहाँ की तहसीलदारी को छोड़कर किया था, राइट आंसर हो जाएगा जींद रियासत की तहसीलदारी छोड़कर जो है प्रजा मंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने, हीरा सिंह चिनारिया ने। नेक्स्ट है, छिछरौली का विद्रोह सन 1818 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ, अजीत सिंह, सूरजमल या जोध सिंह, इनमें से कोई नहीं। देखिए अजीत सिंह का तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अजीत सिंह ने नेतृत्व किया था किसका, लाडवा का विद्रोह जो हुआ था, कब हुआ था, 1845 में हुआ था।
ठीक, तो ये गलत हो गया। फिर बात आती है सूरजमल की, तो सूरजमल की भी पढ़ चुके हम, किसानों का विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व तो क्या था, ये हुआ था 1824 में। फिर बात करते हैं जोध सिंह की, तो जोध सिंह ने जो है किसका नेतृत्व तो किया था, छछरौली का जो विद्रोह हुआ था उसका। कब हुआ था ये विद्रोह, 1818 में हुआ था, जिसका नेतृत्व तो किसने किया था, जोध सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1825 में हरियाणा के किस क्षेत्र में लोगों ने लगान देना बंद कर दिया था, चरखी दादरी, रोहतक, हिसार या भिवानी, तो किस क्षेत्र में जो है लगान देना बंद कर दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चरखी दादरी में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती किस दिन मनाई गई, 28 दिसंबर 1935, 27 दिसंबर 1935, 24 दिसंबर 1935। देखिए, जैसे ये पता है कि कांग्रेस कब बनी थी, तो स्वर्ण जयंती इजीली बता सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है, जब 50 साल पूरे हो जाते हैं, तो कब 50 साल पूरे हुए, 28 दिसंबर 1935 में, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था, हांसी, झज्जर, सोनीपत या पानीपत, तो जैन धर्म का हरियाणा में प्रमुख केंद्र जो था वो था हांसी। ओके, नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में विद्रोही सर्वप्रथम हरियाणा में कहां पहुंचे थे, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद या करनाल, तो कहां पर पहुंचे थे सबसे पहले, गुरुग्राम में पहुंचे थे। 13 मई को जो है 300 सैनिक जो थे वो गुड़गांव पहुंचे थे, ये मैंने आपको बताया था, जब अंबाला छावनी पर जो है पहली बार इसका असर पड़ा, तो 13 मई को जो है, 13 मई 1857 को जो थे 300 सैनिक कहाँ पहुंचे थे, गुड़गांव में पहुंचे थे। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ, हिसार, सोनीपत, अंबाला या पानीपत, तो 3 जुलाई 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध जो था ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था अंबाला में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वर्ष 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक में किस साप्ताहिक का संपादन शुरू किया, हिंदू गजट, सिख गजट या जाट गजट, तो कौन सी का शुरू किया था, जाट गजट का। ठीक है, ये उर्दू में प्रकाशित होती थी, साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन जो थे रोहतक से प्रारंभ हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के समय पंचायत के मुखिया को किस प्रकार की उपाधि देने की परंपरा पड़ गई थी, मुखिया, वजीर, राजा या सेनापति, तो पंचायत के मुखिया को कौन सी उपाधि दी गई थी, मुखिया की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 12 अक्टूबर 1988 को रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा की अध्यक्षता किसने की, बहादुरगंज खां, तुर्बिज खां, राय बहादुर, मुरलीधर या बाल मुकुंद गुप्त ने, तो अध्यक्षता की बात की है यहाँ पे, तो उसकी अध्यक्षता की थी तुर्बिज खां ने, और उसमें वक्ता कौन थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने जो है उस सभा को संबोधित किया था। नेक्स्ट है, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा दोबारा दिल्ली पर अधिकार स्थापित करने में किन शासकों ने उनकी सहायता की थी, पटियाला, जींद, नाभा, ये या तीनों, तो क्या हो जाएगा सही आंसर यहां पे, तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये सभी, इन तीनों ने ही जो है योगदान दिया था, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा में कौन सा लॉ लागू किया गया, मार्शल लॉ, सॉरी एक मिनट, मार्शल लॉ, कार्बन लॉ, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा लॉ जो था लागू किया गया था हरियाणा में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ को जो है लागू किया गया था। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, पढ़ा था हमने ये भी, चौधरी छोटराम जो थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, झज्जर के सापला में हुआ था, ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था, उर्दू साप्ताहिक पत्र, उर्दू दैनिक पत्र, हिंदी मासिक पत्र या इनमें से कोई नहीं, मथुरा अखबार ये कहाँ से प्रकाशित होता था, झज्जर से, और ये क्या थी, एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उर्दू दे रखा है ना, तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और भारत में जो है हिंदी का प्रकाशित पहला समाचार पत्र पूछा जाता है कौन सा था, तो वो था उद्दंड मार्तंड।
ठीक। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन नेता रोहतक गए थे? तो कौन से नेता स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने जो है रोहतक गए थे? मदन मोहन मालवीय और लाला मोहम्मद अली। सॉरी, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, 1888 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? ठीक है, चौथे अधिवेशन की बात कर रहे हैं ये, तो इसमें जो है किसने भाग लिया था? इसमें भाग लिया था लाला लाजपत राय ने, ठीक, हरियाणा की तरफ से। और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी जाए तो किसने की थी? जॉर्ज यूले ने की थी। जो पहले जो थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो वो थे जॉर्ज यूले। ठीक, नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुर का पद छोड़ा? मुरलीधर, गोकुलचंद, नाजिर बेग या गणपत राय? तो लाला मुरलीधर के पास थी राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर, लाला मुरलीधर नाम भी राय का, तो इन्होंने जो है अपनी उसको छोड़ा था। होम रूल लीग के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? पंडित नेकीराम, मोहम्मद खान, राय बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे होम रूल लीग के प्रमुख नेता हरियाणा के? पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य बताना है? अंबाला के लाला मुरलीधर ने अपने राय बहादुरी का पद छोड़ा, तो ये अभी पढ़ा हमने, बिल्कुल सही है ये। गोकुल चंद्र और नैनचुक दास ने कुर्सी नसीनी मेडल सरकार को वापस किया, ये भी सही है। बहादुरगढ़ के रामचंद्र प्रमुख छात्र नेता थे, ये भी सही है। हिसार, सिरसा और भिवानी के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा न बेचने की सलाह को अस्वीकार कर दिया, ये जो है गलत है इसमें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है इस सलाह को क्या किया था? स्वीकार किया था, अस्वीकार नहीं किया था, स्वीकार आएगा यहाँ पे तब ये ठीक हो जाता। 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? बाल मुकुंद गुप्त, लाला मुरलीधर, लाल लाजपत राय या पंडित दीनदयाल शर्मा? तो किसने किया था लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व? लाला लाजपत राय ने। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो किस जिले के जाटों पर था आर्य समाज का प्रभाव अधिक? तो ये था रोहतक के जाटों पर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहाँ की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? तो ये किया था रोहतक की नगर पालिका ने। ठीक, 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? जमींदारी लीग की स्थापना की थी चौधरी छोटूराम ने, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 1924 में, जिसे यूनियनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है कौन कहाँ का प्रकाशक था? तो देखिए, बल्लभगढ़ का सभी को पता होता है, बल्लभगढ़ का कौन था? नाहर सिंह था, ठीक है, बल्लभगढ़ का नाहर सिंह। रेवाड़ी का सबको पता होता है, ये कहाँ का कौन था? रेवाड़ी से कौन था? रेवाड़ी से था तुलाराम, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर रानिया, रानिया से प्रशासक कौन था? रानिया से था वो नूर समंद खां, सॉरी, रानिया से कौन था? नूर समंद खां था। और झज्जर जो रियासत थी उसका कौन था प्रकाशक? अब्दुल रहमान खां। तो रियासत हमने पढ़ी थी कि किसका जो है, कौन जो था, कहाँ पर जो है, किसने जो है रियासत की स्थापना की थी। ओके, तो याद रखिए, बल्लभगढ़ का प्रशासक कौन था? नाहर सिंह। और रेवाड़ी का प्रशासक तुलाराम, रानिया का नूर समंद खां, और झज्जर का प्रकाशक कौन था? अब्दुल रहमान खां। वेट, कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें, नहीं सही, ठीक है, बिल्कुल सही, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद सुमेलित करना है कि कौन सा अखबार किसने निकाला। देखिए, कोहिनूर अखबार जो था ये लाहौर से प्रकाशित होता था, और इस किस भाषा में था ये पूछ सकते हैं। तो कोहिनूर जो अखबार था ये था उर्दू भाषा में, ओके। और इसमें कौन लिखता था? इसमें लिखते थे लाला लाजपत राय, तो राइट आंसर यहाँ पे लाला लाजपत राय हो जाएगा इसका। फिर बात करते हैं भारत प्रताप की, भारत प्रताप किससे रिलेटेड है? नहीं सॉरी, 1 मिनट, कोहिनूर अखबार जो था वो दीनदयाल शर्मा, ठीक है, दीनदयाल शर्मा थे इसके संपादक। भारत प्रताप के जो संपादक थे वो कौन थे? विशंबर दयाल शर्मा। फिर आती है मथुरा अखबार, मथुरा अखबार भी किससे संबंधित था? दीनदयाल शर्मा में। उसके बाद आर्य समाज का प्रभाव किसने दिया? मतलब लाल लाजपत राय ने भी जो है हिसार में एक शाखा खोली थी इसके, 1885 या 86 में, 86 में खोली थी शायद, ठीक है, लाल लाजपत राय ने। तो हरियाणा में आर्य समाज का प्रभाव जो है
ये किससे रिलेटेड है? लाला लाजपत राय से। तो कोहिनूर अखबार जो था ये लिखते थे इसमें लाला लाजपत राय, लेकिन इसके जो संस्था वो थे संपादक कौन थे? दीनदयाल शर्मा। मथुरा अखबार के भी दीनदयाल शर्मा थे, भारत प्रताप के विशंबर दयाल शर्मा और हरियाणा में आर्य समाज का प्रभाव लाला लाजपत राय। ठीक, गोकुला जाट और मुगल सेना के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1669 ईस्वी में। ठीक है, गोकुला जाट और मुगल सेना के बीच। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति उनके क्षेत्र है, तो देखिए पानीपत से नेतृत्व किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने किया था, तो बिल्कुल ठीक है। रोहतक से बिसारत ने, रोहतक से किसने किया था? रोहतक से 1857 की क्रांति के नेतृत्व की अगर बात करें तो ये किया था, एक मिनट, रोहतक से जो था वो किसने किया था? वेट एक मिनट, रोहतक से किया था बिसारत अली ने। रोहतक में एक जगह है हडसन, ठीक है, रोहतक की जगह वो आपको हडसन भी दे सकते हैं। तो हडसन से किसने नेतृत्व किया था? बिसारत अली ने किया था। ठीक है, फिर बात आती है मोहम्मद आजिम, मोहम्मद आजिम ने जो है नेतृत्व किया था हिसार से, और मोहन सिंह मंढार ने जो थे कहाँ से नेतृत्व किया था? अम्बाड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 ईस्वी में हरियाणा में कहाँ आर्य समाज की शाखा की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? रेवाड़ी में की थी ये 1880 में। और लाला लाजपत राय ने कहाँ पर खोली थी आर्य समाज की शाखा? उसमें हिसार में 1886 में आई थिंक। ओके, तो ये थे हरियाणा से रिलेटेड, राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।